नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कर्म फल दाता शनिदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और शनिदेव वर्तमान समय में अपने परम मित्र राहु के नक्षत्र में सत्विशा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब शनिदेव अपनी अवस्था को परिवर्तित करने जा रहे हैं, तो इसका वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। वृश्चिक राशि वाले जातकों, जिस प्रकार इंसान की, पशु पक्षियों की, जीव जंतुओं की आयु होती है, जैसे बाल्यावस्था, जवानी, वृद्धावस्था, उसी प्रकार ग्रहों की भी 5 अवस्थाएं होती है। बाल अवस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृत अवस्था। 12 अगस्त 2023 को शनिदेव बाल अवस्था को त्याग कर कुमार अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, डिग्री वाइज बलि हो रहे हैं और 4 नवंबर 2023 तक शनिदेव कुंभ राशि में बलि स्थितियों में गोचर करने वाले हैं। तो इसका वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव दिखाई देगा, हम आपको जानकारी देने वाले हैं। शनि कुंभ राशि में मौजूद होंगे और 10 गुना ज्यादा क्षमता के साथ प्रभाव देंगे। तो आपके जीवन में किन किन क्षेत्रों को शनि प्रभावित करने वाले हैं, इस वीडियो में यही जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। तो शनि के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, ज्योतिष विज्ञान में देवगुरु बृहस्पति को और शनिदेव को बड़े ग्रहों के अंतर्गत रखा गया है और इन ग्रहों का जब भी परिवर्तन होता है, नक्षत्र परिवर्तन होता है, तो मनुष्य के जीवन में देश काल वातावरण के ऊपर काफी सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शनि को आयु, दुख, रोग, पीड़ा, विज्ञान, सभी प्रकार की नौकरी का कारकत्व तो प्राप्त है, यानी इन सभी क्षेत्रों पर शनि का ही प्रभाव होता है। शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक गोचर करते हैं, इसलिए किसी भी व्यक्ति के जीवन में सबसे लंबे समय तक अगर कोई ग्रह प्रभाव डालता है तो वह शनिदेव डालते हैं। जब भी जन्म कुंडली पर शनि की बलि अवस्था होती है तो व्यक्ति के जीवन में कई क्षेत्रों में उपलब्धि और सफलता मिलती है। शनि अगर बलि हो तो जनता से भरपूर लाभ, कर्म क्षेत्र में उन्नति, पारिवारिक जीवन का सहयोग, व्यक्ति के जीवन में भरपूर मान सम्मान देखने के लिए मिलता है। वही जीवन में संघर्ष बहुत कम करना पड़ता है और श्रेष्ठ लाभ ज्यादा मिलता है। शनि के बुरे प्रभाव से जन्म कुंडली पर शनि के नकारात्मक स्थिति से पैरालिसिस, कैंसर, अवसाद, वायु जनित बीमारी यानी पेट जनित प्रॉब्लम परेशान करती है। वही जीवन में ज्यादा मेहनत करने के बावजूद परिणाम कम मिलता है और शनि के खराब होने पर हड्डियों में समस्याएं भी होने लगती है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि 12 अगस्त 2023 से लेकर 4 नवंबर 2023 तक शनि कुंभ राशि में राहु के नक्षत्र में मौजूद होकर आपके जीवन में कैसा प्रभाव देने वाले हैं। तो ये जानकारी आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। वृश्चिक राशि वाले जातकों, वर्तमान समय में शनि आपके पराक्रम भाव और सुख भाव के स्वामी माने जाते हैं और वर्तमान समय में शनि आपके चतुर्थ भाव पर गोचर कर रहे हैं और शनि 12 अगस्त को भी चतुर्थ भाव पर ही बलि हो जाएंगे। शनि का चतुर्थ भाव पर होने की वजह से शनि जन्य ढैया भी आपके ऊपर चल रही है, लेकिन शनिदेव जैसे ही शुभ नक्षत्रों में और डिग्री वाइज बलि होंगे तो आपके जीवन में कई मामलों में आपको विशेष उपलब्धि और सफलता देने वाले हैं। शनि आपके चतुर्थ भाव पर विराजित होकर तीसरी दृष्टि से आपके रोग भाव को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे,
और दशम दृष्टि से आपके लगन भाव को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में शनि का यह कुमार अवस्था में गोचर तनाव, परेशानी, मानसिक रूप से समस्याओं से आपको कमी करेगा और बाहर निकालने वाला है। वर्क प्लेस पर उत्साहित होकर वृश्चिक राशि के जातक काम करने में सफल रहने वाले हैं और करियर में आपको विशेष सफलता मिल सकती है। वर्तमान समय में यदि आप नौकरी करते हैं, यानी शनि जन्य क्षेत्रों में यदि आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे यदि आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ यदि आपका कार्य है, लोहे का कार्य है, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, प्लास्टिक के बर्तन बनाने का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जुड़कर काम कर रहे हैं, कबाड़ से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, ठेकेदारी का काम यदि आप करते हैं, चमड़े से जुड़ा हुआ यदि आपका कार्य है, इन सभी क्षेत्रों में आपको यदि आपका जुड़ाव है तो शनि आपको विशेष उपलब्धि दे सकते हैं। उसके साथ साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में पारिवारिक मामलों में समय बेहतर रहेगा। पारिवारिक जीवन में यदि आप व्यर्थ के तनाव महसूस कर रहे थे, उससे आपको निजात मिलने वाला है। साथ में वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में कर्जों से यदि आपको परेशानी हो रही है, छठवें भाव पर जा रही शनिदेव की दृष्टियां कर्जों से आपको राहत दे सकती है। उसके साथ साथ वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में इस समय अंतराल में शारीरिक मामलों में आपको विशेष सेहत के मामले में उत्साह बढ़ेगा और स्वास्थ्य जनित समस्या यदि किसी प्रकार की आपके ऊपर बनी हुई है, उससे आपको निजात मिल सकती है। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है। वर्तमान समय में शनि जन्य ढैया का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है, तो कुछ विशेष सावधानी और कुछ विशेष उपाय करने की विशेष आवश्यकता आपके लिए रहने वाली है। सबसे पहले मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचें। दूसरा, वृश्चिक राशि वाले जातकों को शराब, मांसाहार, धूम्रपान से बचने की आवश्यकता रहने वाली है। किसी भी व्यक्ति का निरादर करने से आपको बचना चाहिए, अपमान करने से आपको बचना चाहिए। शनि जन्य शुभता को अर्जित करने के लिए सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहतर रहेगा। वहीं आप शनि मंदिर में शनिवार के दिन सरसों के तेल को यदि आप अर्पित करते हैं, तो भी स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी वृश्चिक राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतरीन संभावनाओं का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।